नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, अभी हम खड़े हैं एग्जीबिशन रोड में बिग बाजार के बाहर। इस बिग बाजार को आज सुबह में ये बिग बाजार बंद था, लेकिन बाद में सीनियर एसपी पटना पहुंचे और पटना जिला प्रशासन के पदाधिकारी पहुंचे और इसके बाद इस बंद बिग बाजार को खुलवाया गया है, क्योंकि आम लोगों की जरूरतों का सामान मिल सके। देखिए, प्रशासन सिर्फ सख्ती नहीं कर रहा है, आपकी सुविधाओं का ख्याल भी रख रहा है। सीनियर एसपी को खुद आना पड़ा जब खबर ये मिली कि बिग बाजार को बंद रखा गया है। और बिग बाजार जो खुलवाया गया है, यहाँ सिर्फ फूड सेक्शंस को खोला गया है, मतलब आपको खाने पीने की जो वस्तुएँ हैं वो मिल सके। इसलिए परेशान मत होइए, ठीक है। हाँ, देखिए, बाजार में किल्लत है, खुदरा बाजारों में सामान नहीं मिल रहे, यह मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन सरकार भी व्यवस्था करने में लगी है और आपको घरों में ही रहना ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा अच्छा है। मत निकलिए सड़क पर। और प्रशासन, देखिए, पटना में कई बिग बाजार हैं, पटना में एग्जीबिशन रोड में बिग बाजार है, अशोक सिनेमा के पास बिग बाजार है, पटना सिटी में है, पीएनएम मॉल में है, जगदेव पथ में है। तो यदि आपको सामान लेना भी है तो अपने नियरेस्ट बिग बाजार के पास जाइए। देखिए, बिग बाजार में कीमतों में मोलजोल नहीं हो सकता है, जो कीमत है, ऐसा नहीं है कि कोरोना को लेकर कीमतें बढ़ा दी गई है या कीमतें, और सामान भी हैं, लोग बता रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, डरिए मत, सुरक्षित रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, प्रशासन भी तैयार है। हाँ, खबरें मिल रही है, खुदरा सब्जी बाजार में सब्जी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो हाँ, परेशानी तो है, लेकिन इस परेशानी को आपको अपने लिए, आपको अपने को खुद को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए आपको घरों में अभी रहना है। यह प्रशासन की व्यवस्था जो है, प्रशासन इससे कोई फायदा नहीं उठाना चाहता, आपको फायदा देना चाहता है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है वह बढ़े नहीं, जहां है वहीं रुक जाए। इसलिए पूरा प्रशासन, जहां भी बाजार में जो कीमतें लोग अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी सचेत किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि यदि आपने इस मौके का गलत फायदा उठाने की कोशिश की तो ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, देखिए, खबरें आ रही हैं कि लोग सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने के बाद गैस का चूल्हा जलाने चले जा रहे हैं। तो देखिए, सैनिटाइजर को तुरंत इस्तेमाल करने के बाद किसी ज्वलनशील वस्तु के करीब मत आइए, समझे, क्योंकि सैनिटाइजर के भीतर कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनसे आग का खतरा होता है। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आग के करीब मत जाइए, चूल्हा जलाएं तुरंत मत चले जाइए। तो इन बातों का ध्यान रखिए, बिहार को बचाना है, कोरोना से बचाना है, हराना है, सरकार हराना चाहती है, बेवजह सड़कों पर ना निकले। हाँ, जरूरी काम है तो निकलना ही पड़ेगा, मरीज है तो निकलना ही पड़ेगा। तो आपको लाइव सिटीज अलर्ट कर रहा है, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।